गाइस टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये फिर भी इंडिया में चल रहा है, क्यों कैसे और जानेंगे ये भी कि दोस्तों जो यूज कर रहे हैं इंडिया में किस तरह से यूज कर रहे हैं और उनके साथ क्या होने वाले आने वाले समय में, तो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप भी एक टिकटॉक यूजर हो लेकिन दोस्तों आप इंडिया में होने के बाद टिकटॉक यूज कर रहे हो तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी वीडियो हो सकती है आपके लिए। दोस्तों ऐसी खबर आई ना जो दोस्तों टिकटॉक यूज कर रहे बैन होने के बाद भी उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास हो सकती है। चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते अपने वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको इस तरह का अपडेट और न्यूज हमेशा चाहिए तो प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। हमेशा इस तरह का आपको टेक अपडेट टिकटॉक से रिलेटेड जो भी टिकटॉक से रिलेटेड नए अपडेट आएंगे वो सब मैं आपको इस चैनल पे देता रहूंगा। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों टिकटॉक की, जब से इंडिया में बैन हुआ है उसके बाद भी दोस्तों टिकटॉक इंडिया में चलाया जा रहा है। किस तरह चलाया जा रहा है आप भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीपीएन के थ्रू। VPN एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने कंट्री को चेंज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कंट्री में चेंज करने के बाद दोस्तों आप TikTok, जैसे मान लीजिए आप TikTok डाउनलोड कर लिए, आप इंडिया में हो लेकिन दोस्तों आपने VPN को ओपन किया, VPN को कनेक्ट किया किसी और कंट्री से, तो आपका लोकेशन जो है वो शिफ्ट हो गया उस कंट्री में। अगर उस कंट्री में TikTok चल रहा है तो दोस्तों आप भी TikTok यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये मेथड नहीं जानते दोस्तों, ये एक इनलीगल मेथड है, मैं आपको बता दूं। अगर आप जानते हो या नहीं जानते हो तो दोस्तों आप इसे यूज़ मत करना, ये एक इनलीगल मेथड है। क्योंकि दोस्तों जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए उसे फॉलो करना ही होगा, अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, जो जो टिकटॉक यूज़र हैं अगर वो यूज़ कर रहे हैं बैन होने के बाद भी, तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि दोस्तों आप ये टिकटॉक यूज़ ना करें, वरना दोस्तों आपके खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों गवर्नमेंट ने बैन किया है तो कुछ सोच समझ के बैन किया होगा, ऐसे तो बैन करने वाला है नहीं। और साथ ही दोस्तों आपके डेटा के लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कि दोस्तों बैन होने के बाद जो है टिकटॉक काफ़ी दोस्तों, मतलब जैसे वो पहले डेटा नॉर्मली इजी डेटा हैक कर लेता था, उस तरह दोस्तों अभी तो नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों जो जो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, मतलब दोस्तों बहुत यूज़र्स कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जितने पहले करते थे उतने तो कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बैन हो चुका है। मतलब दोस्तों मान लीजिए 100 लोग यूज़ करते थे तो अभी दोस्तों मुश्किल से 10 लोग यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों 100 मिलियन थे तो 10 मिलियन यूज़ कर ही रहे होंगे। उसी तरह दोस्तों आपके 10 मिलियन जो डेटा है वो दोस्तों उनके पास ऑलरेडी होंगे, और दोस्तों जो डेटा है उनको सेल करके वो बहुत सारे इनकम कर सकता है। तो दोस्तों मान लीजिए आप अपने मोबाइल में टिकटॉक प्रो यूज़ कर रहे हैं, जैसे दोस्तों टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है, उसी तरह दोस्तों गूगल से कहीं से भी जाके टिकटॉक प्रो ऐप डाउनलोड कर ले रहे हैं और VPN के थ्रू दोस्तों टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आप यूज़ कर रहे हो एक इनलीगल मेथड है, क्योंकि दोस्तों एक VPN जो है वो दोस्तों अलाउ नहीं करता है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, ये परसों की न्यूज़ है, जो दोस्तों गवर्नमेंट ने एक बैन किया है, मतलब दोस्तों क्लियरली मेंशन कर दिया, अगर आप VPN के थ्रू टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, जैसे कुछ VPN से उसमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों ट्रू VPN एक बोल के एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप दोस्तों टिकटॉक यूज़ नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये देख सकते हो, ये न्यूज़ आया है गवर्नमेंट की तरफ से, आप जो VPN के थ्रू है वो टिकटॉक नहीं चलने वाला, ऐसा क्लियर मेंशन कर दिया। लेकिन दोस्तों इंडिया में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं प्ले स्टोर में सर्च कर रहे हैं क्या इस VPN में चल जाए, इस VPN में चल जाए। दोस्तों कोई ना कोई ऐसा VPN मिल ही जा रहा है जिसके थ्रू दोस्तों टिकटॉक जो प्रो मोड है वो इंडिया में चल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक को चला रहे हैं अभी भी इंडिया में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो दोस्तों आप भी ना चलाएं। टिकटॉक को वापस आने की बात हो रही है, जैसे दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों टोटल 79 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन दोस्तों टिकटॉक ने अभी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया है। जैसे कोई रिप्लाई देगा आपको मैं अपडेट कर दूंगा, और दोस्तों टिकटॉक इंडिया में 100% वापस आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वेट कीजिएगा दोस्तों, वेट करिएगा, उसका प्ले स्टोर में आएगा, उसके बाद यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अभी आप यूज़ करोगे तो आपके डेटा को बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है और आप भी इसमें फंस सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ समझ गए होंगे क्या मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपसे फिर भी कहता हूँ दोस्तों टिकटॉक अभी आप यूज़ ना करें, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है टिकटॉक यूज़ नहीं करिए। दोस्तों आपके डेटा को किस तरह से चोरी करता है ये आप भी नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का अपडेट पाने के लिए।